सुनो भाई, देखो अपना हम एक ना जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है उसे शुरू करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। हमारे पास है तो पहले हम समझेंगे भाई, मेरे पास ना दो कंसेप्ट, ठीक है, कि पहले समझें डिमांड क्या होता है। पहले तो मैं डिमांड की हिंदी बताऊं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मांग, ठीक है, डिमांड को हिंदी में मांग बोलते हैं, ठीक। तो अगर मैं नॉर्मल सी बातें बोलूँ, ठीक है, मेरे पास क्या होता है भाई, मैंने कहा कि थ्योरी ऑफ डिमांड है जिसको हम मांग के सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमें पता है, दो बातें, पहला मेरे पास कि भाई डिमांड क्या होती है एक्चुअली, ठीक है, मैं क्या मेरे पास कहे डिमांड क्या होती है। डिमांड मैं तुमसे बोलूँ कि अच्छा कोई मुझे बता सकता है डिमांड क्या होती है। देखो तुम्हें पता क्या होता होगा कि किसी भी चीज की मांग करना डिमांड कहलाती है, ये तो है। लेकिन देखो जो मुझे पता क्या पता है, मुझे पता है कि सबसे पहली बात, पहले ना मैं गवारों वाली भाषा बोल रहा हूँ, पहले हमारी औकात होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो ये ना, पहले हमारी औकात होनी चाहिए, फिर हमारी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, उसका प्राइस होना चाहिए, ठीक, नहीं उसका प्राइस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है ना, और फिर हम अपनी इच्छा रखते हैं उसको खरीदने की, हम इसे बोलते हैं डिमांड। देखो तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे पहली चीज़ बोल दूँ कि मैं एक पिंक कलर का मार्कर खरीदना चाहता हूँ, क्या बोला मैंने, पिंक कलर का, जो ऊपर से ना ऐसा पिंक दिखे, ठीक है, तो मेरे मन में इच्छा है, ठीक, मेरे पास पैसा भी है, ठीक। अब पता है तीन चीज, देखो मेरे मन में इच्छा है, ठीक, पैसा है मेरे पास, जिसको मैंने औकात कहा था ना उसको पैसा बोलना होगा, ठीक है, पैसा है मेरे पास, फिर मैं जाऊंगा मार्केट में, मैं बोलूंगा इसका पीछे का हिस्सा पिंक होना चाहिए, ठीक है, और मुझे चाहिए मतलब वो तो ना बेबी पिंक ऐसा चाहिए, मैं पूरी मार्केट में ढूंढ लूंगा, ठीक, जब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी बताओ मेरी डिमांड पूरी होगी, तो मैं इसको डिमांड नहीं बोल सकता, ठीक। डिमांड किसको बोलते हैं, सबसे अगर नॉर्मली बोल दूँ तो बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, डिजायर होनी चाहिए, ठीक, उसके बाद अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में विद अ गिवन प्राइस, ठीक है। मेरे पास क्या होता है भाई, मांग क्या होती है, मांग का बस एक ही मतलब निकल के आता है कि दुनिया में कोई चीज खरीद रहा हूं मैं, ठीक है, और उन चीजों के साथ क्या है भाई, वो चीज मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट के अंदर, समझे कुछ। सुनो सुनो भाई, तो ये पहले बातें पता लगी, मैंने क्या बोला कि मेरे पास क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, ठीक है, और डिजायर, सबसे बड़ी बात पता क्या है, प्राइस डिजायर। देखो अगर तुम्हारी डेफिनेशन में से ना एक भी कंपोनेंट गायब होता है तुम्हारे मार्क्स खत्म, इन बातों याद रख के चलना। देखो तुम्हें मैंने डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ठीक, अगर डेफिनेशन के अंदर देखो एक होती है डेफिनेशन, दूसरी होती है मीनिंग, पता है इसमें डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन के अंदर सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, ठीक, और जो मीनिंग है तुम उसको समझा रहे हो कि ये चीजें होती है, ठीक। डेफिनेशन में अगर तुमने कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो कि तुमने ना डिजायर के बदले लिख दिया नीड, तो कोई बात ही नहीं हुई, तुम्हें हर एक बात को डिटो एज इट इज लिखनी होती है। मैं तुम्हें जितनी भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा ना, मैं तुमसे खुद बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बुक की डेफिनेशन होगी। पता है और बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारे ट्यूशन वाले सर ने हमें अपनी बोल के डेफिनेशन लिखवाई है, हमारे सर छपवाते नहीं। मैं बोलता बेटा पकड़ के लेके आ जा, क्योंकि एनसीईआरटी में वो डेफिनेशन है, कितनी बड़ी बड़ी बुक है ना, सब में डिटो सेम डेफिनेशन होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन चेंज करना ना जो होते हैं ये पागलपंती कर रहे होते हैं टीचर होते हैं कि डेफिनेशन चेंज कर दी कोई, ठीक। ये चीज वो किसने कहा था मेरे को स्टॉक को कूड़ा बोलता है कोई, तुमने कहा था। सुनो भाई इसमें लिखना शुरू करो पहले, और एक हेडिंग डालो डिमांड, चैप्टर नाम, चैप्टर नाम डाल देना। सुनो इसमें लिख लो डिमांड, सुनो भाई इसमें लिखो पहले तुम्हारे पास कि अभी देखो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible price
ऑफ दैट कमोडिटी पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। देखो भाई मैं तुम्हें इस पे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं होगी डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी। ठीक है, देखो मैं जिस चीज की डिमांड करना चाहता हूँ ना उस चीज की क्वांटिटी ना डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मैं भाई एक ही बात बोलूँ। देखो एक मेरे पास तुम्हें ना दो बातें समझ ली है, पहला मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, ये मैंने पहला बोला। ठीक है, दूसरा तुमसे बोल रहा हूं भाई स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी। सुनो भाई, जैसे ना मैं डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी बोलता हूं, ठीक, इसका मेरे पास मतलब क्या निकल के आता है, इसको हम बोल देंगे डिमांड। ठीक, लेकिन जैसे बोलते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी, मुझे पता है मैं इतना ही खरीदूंगा, मुझे पता है मैं इतना ही खरीदूंगा, इतना ही खरीदूंगा, इतना ही खरीदूंगा। ठीक, तो वो मेरे पास जो है उसको इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मात्रा में मांग बोलते हैं इसको। ठीक है, मांग की मात्रा। ठीक, पहला वाला देखो इसको बोलेंगे डिमांड, इसको हिंदी में बोलेंगे मांग। ठीक, जो मेरे पास है ना पहला वाला, जिसमें मैं कुछ भी कितना भी खरीदूं, बस मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए और मैं खरीदने को पूरा तैयार हूँ, उसको हम बोल देंगे मांग, डिमांड बोल देंगे इंग्लिश के अंदर। ठीक, और लेकिन अगर बोल दूं कि मेरे पास एक ना निश्चित मात्रा है, ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी मेरे पास है, निश्चित मात्रा जहां बोला उसको बोलते हैं मांग की मात्रा। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ आ गई, इन बातों याद रख के चलना है। तो मैंने पहले तुम्हें वर्ड क्या बोला भाई कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक कोई सी कमोडिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, भाई कंज्यूमर जो है ना उसको खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि भाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, अगर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी है, अलग अलग क्वांटिटी है तो उसके प्राइस भी तो अलग होंगे ना। मैं तुमसे बोल दूं कि मैं ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मैं एक मार्कर खरीदा हूँ 10 रुपए का पड़ रहा है, बताओ मेरे को 10 मार्कर कितने रुपए का पड़ेगा। यार कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है, एक मार्कर मेरे को 10 का पड़ा। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं 10 मार्कर तो प्राइस कम होगा ना, इन बातों को मान के चलना। ठीक है, पहले बता चुका हूँ ना मैं, स्टार्टिंग बोल चुका हूँ, तो इसीलिए मैं मानो कि हाँ तो मैं आता है। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ा बहुत तो भाई प्राइस तो कम होता होता है, समझ आ रही बात। देखो वैसे 100 होना चाहिए ना, एक्चुअल में डिस्काउंट मिलता है। ठीक, इसमें दिक्कत तो नहीं बेटा, मिलता है। ठीक, ये चीज़ें हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड, पैसे पागल नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा काम आती है। कभी तुम्हारी गली में हुआ है ना प्याज बेचने वाला, तो उससे बोलना कि भैया प्याज दे देना। ठीक, अरे ऑब्वियसली मांगोगे, वो तुम सबने खड़े आएंगे उसको, सबने आएंगे उसको, अच्छा ये मैडम प्याज के लिए खड़ी है, ऐसा सबने आएंगे उन्हें। हाँ बात भी सही है, तुम ऐसे जाओगे, वो ऐसा आएगा, वो बोलेगा प्याज ले लो, प्याज ऐसा होता है ना, फिर जाके तुम ऐसे खड़े रहोगे, अच्छा मैडम तुम्हें प्याज चाहिए, मुझे पता है मैडम तुम बोलोगे 1 किलो 20 का लगा रहा हूँ, तो 5 किलो लगा लो 30 का, ऐसा कुछ भाई तुम्हें ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा। तुम पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, उससे बोलोगे तभी तो करेगा वो, वरना कोई अपने लॉस क्यों करेगा। अब तुम मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, और हाँ बेटा उसे इसे बोलते हैं अमीर लोग। ठीक है, यू आर नॉट अ रैशनल पर्सन, यू आर इरेशनल। ठीक है, बात सुन आ रही है, तो रैशनल और इरेशनल में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, समझ गए, समझ गए। ठीक है भाई, इसका अंदर तुम एग्जांपल लिख लो, पता नहीं इसकी तुम्हें लिखना है, इसमें लिखो कि डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, हाँ इसी के नीचे डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स रेफर्स टू 10 यूनिट ऑफ एक्स इफ पीएक्स इज इक्वल टू 5 per unit, इफ पीएक्स इज इक्वल टू 5 per unit। अगला लिखो 8 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, उसी अगला लिखा, ठीक है, 8 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स इफ पीएक्स इज इक्वल टू 6।
मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास क्या है, जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ प्राइस में क्या है चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। Px is equal to 6 है, ठीक, देखा ना तुमने, मैंने प्राइस चेंज किया, मेरे पास क्या क्वांटिटी का, मतलब कि क्वांटिटी प्राइस में अपने आप चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, तुमने पहले वाले देखा होगा कि भाई अगर हम क्या करते हैं, देखो अच्छा, हम ना अलग अलग वैरायटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग वैरायटी यानी कि एक ही वैरायटी है, ठीक। अब सुनो, तो मैंने उतना ऊपर वाले में चेक करो पहले, तो मेरे कहा कि मेरे पास 10 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है, मैंने बोला 10 यूनिट, या देखो क्या बोला मैंने, यूनिट कितनी है 10, प्राइस कितना था उस पर 5, मैंने यूनिट को कम कर दिया, कितना मैंने यूनिट को 8 किया, प्राइस कितना किया उसने 6, यही बातें मान रहे हो, ये हमेशा होता है ना, क्वांटिटी हम करेंगे कम करेंगे प्राइस बढ़ाता है, ठीक है। तुम बताए कभी जैसे मान के चलो नॉर्मल तुम मार्केट जाओ, ठीक, तुम ना अगर जैसे मान लो कि तुम्हें खरीदना 10 किलो की आटे की बोरी, ठीक है, हाँ ठीक है तुम्हें दे देगा, हाँ मैं ले जा, तुम उससे बोलना कि भैया 5 रुपये का आटा दे दो, ठीक, तुम्हारा उसमें लॉस होता है हमेशा, ठीक, वो तुम्हें बहुत थोड़ा दे बेटा 5 रुपये का आटा, 5 का इतना आता बेटा लेके जा, ठीक है। तो ये वाली बातें पड़ती हैं हमेशा, तो ये पहली बात बोला कि मेरे पास क्या भाई, जो तो लिखा पहले मैंने डिमांड के बारे में, अगला तो अगले डालो क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड जिसको हम बोलते हैं मांग की मात्रा, ठीक है। दूसरे क्या बोलते भाई, मांग की मात्रा, लिखो इसमें क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देखो भाई मैंने क्या बोला कि एक कोई स्पेसिफिक गुड्स है, ठीक, उस स्पेसिफिक गुड्स की मेरे पास क्या स्पेसिफिक प्राइस है, समझ रहे हो, कोई सा भी स्पेसिफिक गुड्स होगा उसका मेरे पास क्या हो भाई एक स्पेसिफिक प्राइस होगा, समझ रहे हो वाली बात है। मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये, ठीक है, ये मेरे पास मार्कर है, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने एक मार्कर खरीदा 10 रुपये का, ठीक, स्पेसिफिक गुड्स है, अगर मैं इसी स्पेसिफिक गुड्स को चेंज कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं इसकी जस्ट क्वांटिटी कम कर रहा हूँ, क्वांटिटी कम कर रहा हूँ मैं, तो भाई इसके उसी के हिसाब से चार्ज लगेगा ना उस पर, ठीक। देखो तो मैं ना इस चीज़ को समझने के लिए ना एक ना पूरी लंबी क्लास लगेगी, बहुत इसका बड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर कि डिमांड में और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैंने भाई घर से इसी को करके लेके आना है, एक ना हेडिंग डाल लो, मतलब एक क्वेश्चन लिख लो डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, और दो तीन चीज़ें और लिखवा रहा हूँ जिसको तुम्हें घर से समझ के आना है किसी भी तरीके से, तुम डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगला तुम लिख लो भाई नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, लिख लिया, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स। अगला देखो गिफन गुड्स क्या होते हैं, जी आई डबल एफ ई एन, गिफन गुड्स, गिफन गुड्स क्या होते हैं, जी आई डबल एफ ई एन, गिफन गुड्स। भाई इन सब के बारे में तुम्हें हल्का सा घर से पढ़ के आना, ठीक है, बस मैं आगे और चलो पहले तो तुम्हें इतना करके लेके आना है, और ना भाई तुम्हें पहले इतना याद होना चाहिए, और तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो पूछना शुरू कर दो, ठीक है। नॉर्मल